देश को बचाने के लिए, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण रखने के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसको कायम रखने के लिए भाजपा को हटाना न सिर्फ हमारा राजनीतिक दायित्व है बल्कि यह हमारा सामाजिक दायित्व भी है। राफेल को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं, सरकार चुप रहती है। बिल्कुल, इतना बड़ा घोटाला, और आपने देखा कि जितने भी केंद्रीय संस्थान हैं उसको समाप्त करने में यह सरकार लगी हुई है, और सीबीआई का नाटक आप लोगों ने देखा, तो मतलब कि इस कहीं ना संविधान में विश्वास है और ना आम आवाम के तरक्की में भाजपा का विश्वास है। इसलिए हम लोगों की पूरी एकजुटता इस रैली के साथ है, इस संघर्ष के साथ है। पूरी एकजुटता है। जो राजद के और बड़े नेता हैं हम उनसे भी जोड़ेंगे आपको, उनसे हम आपको बताएंगे। सर, राजद की तरफ से आप सभी लोग आए हैं, राफेल को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन मोदी सरकार कहीं ना कहीं घिरती नजर आ रही है, और सबसे बड़ी बात वो चुप है, कुछ नहीं कर रही है। मोदी सरकार घिरती नजर नहीं आ रही बल्कि पूरी तरह घिर चुकी है जी। अब उसके उबरने के अपने रास्ते ढूंढ रही हैं, और जितनी वो कोशिश उबरने की करेंगे उतना और ज़्यादा घिरते जाएंगे, क्योंकि उसमें एक गलती को छिपाने के लिए 100 गलतियां उनको करनी पड़ेंगी। इसलिए मोदी का मामला ख़त्म है, अब केवल जनता की गोलबंदी और उस पर हमला करने की ज़रूरत है लोकतांत्रिक माध्यम से। जो आप लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं विपक्ष एकजुट है, क्या सही में विपक्ष एकजुट है? देखिए, विपक्ष की एकजुटता हमेशा रही है बिहार में, और बिहार ने जितना भी अंधेरा देश में चाहे काहे नहीं छा गया हो, बिहार ने हमेशा रोशनी दिखाई है। बिहार ही से कोई रोशनी निकलेगी तो इसका आपका साफ साफ